संभाल कर वो हमें देखना ले। ये धूर्त कृष्ण हमसे व्यर्थ ही चक्कर लगवा रहा है। रुक जाओ राधा, ये जान चुका है कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही तो हम इस स्थान से निकले। और ये धूर्त इतनी शीघ्रता से हमें इसकी प्रेमिका से नहीं मिलने देगा। चित्र बात है, ये ऐसे लोग खड़े खड़े कैसे गिर जाते हैं? अभी तो यही था, कहाँ गया? अयन, वो देखो। ये वस्त्र तो कृष्ण के हैं, अर्थात ये कृष्ण है। तुम्हें कृष्ण की पड़ी है? वो देखो, वो मिलने किससे आया है? क्या कृष्ण की प्रेमिका सुदेवी है? नहीं, ये संभव नहीं। पकड़े गए धूर्त। तुम भैरव, ये सब क्या है सुदेवी? मैं बताता हूं राधा, ये गोकुल के सारे लड़के उस कृष्ण के भांति भ्रष्ट हैं। अभी 4 दिन नहीं हुए इस भैरव को यहां शरण लिए और बरसाना की भोली भाली लड़की सुदेवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया इसने। नहीं अयन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुदेवी से प्रेम करता हूं, वो भी आज से नहीं, पिछले 1 वर्ष से मैं और सुदेवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आयन, मेरी बात सुनो। सुदेवी, तुमसे तो अब बाद में बात हो, पर पहले मैं इस धूर्त को थोड़ा प्रसाद दे दूं। कौन हो भाई? भैरव, तू यहाँ? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो, सब जानते हो तुम। इस मित्र भैरव ने मेरी सखी सुदेवी को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। राधा, मैं कह रहा हूँ ये। एक्शन रुके बड़े भैया। भैरव, राधा मेरी प्रिय सखी, वो झूठ नहीं कहे। ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुमने सुदेवी को फंसाया है? नहीं कृष्ण, मैं और सुदेवी तो एक दूसरे को 1 वर्ष से प्रेम करते हैं। राधा, ये रुकिए बड़े भैया। राधा, सुना तुमने, भैरव ने सुदेवी को फंसाया नहीं है, वो पिछले 1 वर्ष से एक दूसरे से प्रेम में। प्रेम? कैसा प्रेम है ये? पिछले 1 वर्ष से किसी को कुछ नहीं बताया, अब जब 2 दिन में सुदेवी का विवाह होने वाला है, इसके माता पिता, उनको तो छोड़ो,
पूरा बरसाने इसके विवाह की व्यवस्था में लगा है। अब ये यहाँ छिपकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम लीला करने आई है। राधा मैं तो इसे ये बड़े भैया आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। तनिक रुकिए तो भैरव ठीक ही तो कह रही है राधा, उचित कह रही है। यदि तुम दोनों पिछले एक वर्ष से प्रेम में हो तो अब तक अपने प्रेम की बात परिवार वालों को क्यों नहीं बताई? हम उचित समय की प्रतीक्षा ही करते रह गए कृष्ण, और सुदेवी का विवाह कहीं और निश्चित हो गया। राधा हमारी सहायता करो, तुम तो सुदेवी के परिवार वालों को जानती हो ना, तुम कुछ करोगी तो ही हमारा मिलन हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुदेवी, राधा को क्या पता प्रेम क्या होता है? अब यदि राधा को प्रेम क्या है वही ज्ञात नहीं है तो वो तुम्हारी क्या सहायता करेगी? ठीक कहा मैंने राधा? ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण, मैं समझती हूँ प्रेम को। क्या तुम्हें प्रेम की समझ है? तो बताओ प्रेम क्या होता है? प्रेम उन्हीं से किया जाता है जिससे हमारा कोई ना कोई संबंध होता है। तत्व और यही सीख हमें हमारे गुरुओं और माता पिता से भी मिली। क्या बड़ भैया, आप कहां बूढ़े माता पिता को और गुरुओं को प्रेम की टेढ़ी पगडंडियों पे ला रहे हैं? प्रेम का आश्रम, उसका मार्ग, उसका लक्ष्य और उसका शास्त्र भिन्न है। प्रेम सबसे कठिन शास्त्र है और सबसे सरल। प्रेम तो दो लोगों के एक होने के बीच से फूटता है, विराह की तपन में बढ़ता है और आंसुओं से फैलता है। और ये विद्यालय का नहीं हृदय का शास्त्र है। अच्छा तो तुम ही बताओ प्रेम पंडित कृष्ण, क्या करना चाहिए? अभी वृषभान काका और सुदेवी के माता पिता के सामने जाकर इन दोनों की प्रेम की बात को रखना चाहिए और उन्हें समझा कर इन दोनों का विवाह करवाना चाहिए। साधु क्या मार्ग दिखाया है प्रेमाचार्य ने? तुम ये कहना चाहते हो कि सुदेवी का विवाह संबंध जो कि निश्चित हो चुका है उसे तोड़वा कर गांव वालों को लज्जित करके उसका विवाह भैरव के साथ कर दे? नहीं, विवाह तो पुरोहित ही करेंगे ना, हमें तो केवल जाके बात करनी है। मेरे विचार से यही सबसे उचित विकल्प होगा। नहीं कृष्णा, इसमें मैं राधा के साथ हूँ। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने परिवार वालों को इस प्रकार लज्जित नहीं कर सकती। और कृष्ण यदि यही है तुम्हारा प्रेम तो निश्चित ही ये प्रेम नहीं स्वार्थ है। तो देवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी उसका क्या, वो सोचा तुमने? लज्जित होकर आंखें झुक जाएंगी उनकी, धिक्कारेंगे लोग। तो मैंने उल्टा सुना कि संतान की प्रसन्नता देखकर माता पिता के मन को ठेस नहीं पहुंचती बल्कि उनका सम्मान बढ़ता, कि बेटी का हर्ष देखकर माता पिता के आके झुकती नहीं गर्व से उठती, कि जिनकी संतान अपने जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहे उन्हें धिक्कार नहीं जय जय कार मिलती। चलो मान लिया तुम्हारे कथित झूठे मान के लिए ही सही सुदेवी ने उससे विवाह कर लिया जिससे वो प्रेम नहीं करती, तो विवाह के पश्चात क्या सुदेवी प्रसन्न रह पाएगी? और जब सुदेवी ही प्रसन्न नहीं होगी तो क्या उसके माता पिता प्रसन्न रह पाएंगे?
बेटी के जीवन में शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, यही चाहते हैं ना माता पिता? तो प्रेम ही शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का मूल है राधा। प्रेम को समझो, इनका साथ दो राधा। कृष्ण, तुम भैरव को समझाओ कि सुदेवी को भूल जाए। भूल गया, समझो। सुदेवी, व्यक्ति जब कीचड़ में पाव रख दे तो फिर कहाँ पाव रखता है, उसे अंतर नहीं पड़ता। भूल जाओ सब, हम भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। और कृष्ण, तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगे ना? सुदेवी का विवाह उचित प्रकार से पूर्ण करवाने में, भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे, उसके प्रयास में मेरी सहायता करोगे ना? सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तुम चाहती हो कि सुदेवी का विवाह विधि पूर्वक हो जाए? होगा। भावी जीवन में वो प्रसन्न रहे? होगा। ये मेरा वचन। अच्छे से सजाना घर को, बसाना का प्रत्येक घर सजना चाहिए। आज हमारी पुत्री सुदेवी का विवाह जो है। बिल्कुल, और अब तो वो गोकुल की भी बेटी है। गोकुल के मुखियानंद और बरसाना के मुखिया ब्रिजबान एक साथ। लगता है इस गांव में कोई विवाह होने वाला है। अक्रूर जी, देखिए, यदि मैं अपराधी हूं, आपको दंड ही देना है तो मुझे दीजिए। इसमें बरसाना और गोकुल वालों का कोई दोष नहीं है। मैं आपको इस भूल के लिए क्षमा करने को तैयार हूं, किंतु इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। न बरसाने पर कोई संकट आएगा, ना ही तुम्हारे प्राण कभी संकट में पड़ेंगे। अच्छा, और इस उपकार के बदले आपको क्या चाहिए? कृष्ण कृष्ण कृष्ण